महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र के DGP रजनी सेठ ने चेतावनी दी है कि जो लोग राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस ने MNS के मुंबई ऑफिस से लाउडस्पीकर जब्त किए हैं। आपको बता दें, औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसमें कुछ आयोजकों को भी आरोपी बनाया गया है। महाराष्ट्र दिवस के दिन राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया था। वहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी थी कि राज्य की सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा था और कहा था कि NCP सुप्रीमो जातिवादी की राजनीति करते हैं। इसी को लेकर औरंगाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।